की ये सबसे खास तस्वीर है। स्पीकर की कुर्सी पर ही सबकी नजर। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, अपने अपने स्थान पर आप बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, अब राष्ट्रगान होगा, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माननीय सदस्यगण, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा के इस 11वें सत्र आपका स्वागत है। इसमें कुल 11 बैठकें होगी। चूंकि यह बजट सत्र है, इसलिए इसमें बजट को पारित करना सदन का महत्वपूर्ण कार्य है। इस सत्र में सरकार के सदन के प्रति विश्वास मत प्राप्त किए जाने पर विचार होगा, साथ ही सदन के अध्यक्ष के प्रति अविश्वास के संकल्प पर विचार होगा। इसके अलावा वर्ष का प्रथम सत्र होने की स्थिति में महामहिम राज्यपाल का भी भाषण भी होगा। माननीय सदस्यगण, यह संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है कि यहाँ हर तरह के गंभीर विषय आपसी विचार विमर्श से सुलझाए जाते हैं। मेरा आप सबों से आग्रह है कि इस पूरे सत्र में आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें और राज्य की जनता के हितों के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। राज्यपाल से प्राप्त संदेश। माननीय सदस्यगण, बिहार के राज्यपाल महोदय ने निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेंद्र विश्वास आलेकर बिहार का राज्यपाल एतद् द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 12 फरवरी 2024 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। राजेंद्र विश्वास आलेकर राज्यपाल बिहार पटना दिनांक 1/2/2024। माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे दोनों सदनों के सदस्यों के सहसमेत उपस्थिति में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में होगा। महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेंट्रल हॉल तक जाने लाने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर आएंगे। इस बीच आप सभी माननीय सदस्य चलकर सेंट्रल हॉल में अपना अपना अवतार ग्रहण करेंगे।
महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात पुनः इस समावेश में आज के निर्धारित शेष कार्य होंगे। अतः आप सभी माननीय सदस्यगण अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेंट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लेंगे। अब आगे की कार्रवाई सेंट्रल हॉल में होगी। चला जाए वहां। अब हम कहां छोड़ने वाले। तो ये आप बिहार विधानसभा की तस्वीर देख रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी को सुन रहे थे आप, जिसमें अभी देखिए राज्यपाल का अभिभाषण अब होना है सेंट्रल हॉल में। दोनों ही सदन के जो नेता हैं वो मौजूद होंगे, राज्यपाल वहां संबोधित करेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें कि जेडीयू के दो विधायक अभी तक बिहार विधानसभा नहीं पहुंचे, जिसमें बीमा भारती और डॉक्टर संजीव का नाम सामने आ रहा है। ये दोनों नहीं पहुंचे हैं, बताया जा रहा है कि रास्ते में ही दोनों विधायक हैं। बिल्कुल, तो नवादा से डॉक्टर संजीव आ रहे हैं और कुछ देर पहले ही ये खबर सामने आई थी कि वहां से चल दिए हैं, लेकिन शायद थोड़ा वक्त लग रहा होगा। लेकिन बीमा भारती को लेकर के संशय अभी भी जरूर नजर आ रहा है। तो रास्ते में जेडीयू के विधायक संजीव है, लेकिन बीमा भारती कहाँ है ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो अगर विधायकों की अनुपस्थिति होती है, अगर विधायक थोड़ी इधर से उधर होते हैं, तो ये थोड़ी संकट जरूर बढ़ाएगी प्रोटेस्ट के दौरान भी, क्योंकि आरजेडी भी लगातार ये दावा करते आ रहा था कि देखिए ना कई जो ऐसे विधायक है वो अनुपस्थिति हो जाएंगे। लेकिन दो विधायकों को लेकर की खबर सामने आ रही है कि जेडीयू के जो दो विधायक हैं वो अब तक नहीं पहुंचे हुए। तो अभी जो आंकड़ा है वो 128 का है एनडीए के पास। अगर दो विधायक नहीं भी पहुंचते हैं तब भी 126 का आंकड़ा जो है वो एनडीए छुएगा, लेकिन 122 का जो आंकड़ा है उससे भी चार विधायक ज्यादा ही होंगे। तो ऐसे में बहुमत तो साबित कर दें, बहुत परेशानी नहीं होगी शिप्रा। बिल्कुल, और इसलिए तस्वीर आज की ये काफी खास भी हो जाती है। बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीर में अभी हम आपको दिखा रहे हैं, और अभी सभी जो नेता हैं दोनों ही सदन के, उन सभी को भी सेंट्रल हॉल में बुलाया गया है, जहां राज्यपाल का अभिभाषण होना है। थोड़ी देर में राज्यपाल सभी को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे साथ अभिरंजन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। अभिरंजन जी, अभी दो विधायक जो है जेडीयू के नहीं पहुंचे हैं, बताया जा रहा है डॉक्टर संजीव और बीमा भारती दोनों अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर देखें इन दोनों विधायक अगर अनुपस्थित होते भी हैं तब भी आंकड़े जो हैं वो एनडीए सरकार के पक्ष में। नहीं, निश्चित रूप से संजीव तो पहुंचेंगे क्योंकि पुलिस के साथ है, वो पुलिस उनके साथ लगी हुई है, आप जानते हैं, तो वो तो पहुंचेंगे ही देर सवेर। अभी जो फ्लोर टेस्ट होना है उसमें थोड़ा टाइम भी है, तो मुझे लगता है कि संजीव पहुंच जाएंगे। बीमा भारती का पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक जदयू के एक नेता ने किसी ने बताया भी था कि एक विधायक हमारा मिसिंग है, तो शायद वो बीमा भारती के बारे में ही था, तो वो एक मिसिंग रहेंगी भी अगर, तो वो 128 से 127 हो जाएगा शायद। लेकिन जो दूसरा कैंप है उसकी तरफ के भी कुछ विधायकों के बारे में मेरे पास ऐसी खबरें अभी आई हैं कि वो शायद जो है एनडीए के पक्ष में मतदान कर सकते हैं शायद, या एटलीस्ट वो एब्सटेन कर जाए, जो भी है तो देखने की बात है। लेकिन ये है कि अब कंफर्टेबली ये मेजोरिटी अपनी सिद्ध कर देंगे, मुझे अब इसमें कोई संदेह नहीं लग रहा है। और देखो कुछ बिटवीन द लाइंस भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। जो कांग्रेस के नेता जो शकील अहमद है, उन्होंने कहा कि परसेप्शन की लड़ाई नीतीश कुमार हार चुके हैं, तो परसेप्शन की लड़ाई हार चुके हैं इसका मतलब यह है कि आंकड़ों की लड़ाई शायद नीतीश कुमार जीत जाएंगे, और अपोजिशन ये कहेगा कि हम परसेप्शन की लड़ाई हमने उनको हरा दिया। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई दिक्कत आने वाली है। और बड़ा मैनेजमेंट देखो एनडीए की तरफ से देखने को मिला। एनडीए ने, मैं एक चीज हमेशा मानता रहा कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हाथ नीतीश कुमार के सिर पर नहीं रहेगा तो वो हार जाएंगे, लेकिन अगर उनका हाथ रहेगा तो वो कभी नहीं हार सकते। आप देखिए कि जो सबसे कमजोर कड़ी थी एनडीए की, जीतन राम मांझी की पार्टी और उनके चार विधायक, उनको मैनेज करने के लिए बाकायदा जो है गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को डिप्यूट कर दिया गया था, और नित्यानंद राय लगातार उनके साथ रहे, और ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी को पूरी तरह से मैनेज करने में नित्यानंद राय जो है कामयाब रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कहीं कोई खेला होगा। जैसा कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि बच्चों को खिलौना दे दिया गया है बच्चे को, तो इसी खिलौने से वो शायद खेला करेंगे और खेलेंगे। अब रंजन जी, थोड़ा एक स्पीकर का जो मसला है वो समझाइए, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी आए आसन पर बैठे, उससे पहले थोड़ी सी नोकझोंक भी नजर आई थी। उन्होंने कार्यसूची जो है वो रखी,
सदन के सामने, और उसके बाद से कहा कि जो आगे की प्रोसीडिंग है वो सेंट्रल हॉल में होगी, वहीं पर राज्यपाल का अभिभाषण होगा। लेकिन जो अविश्वास संकल्प लाया गया है एनडीए की तरफ से, अब आगे की जो प्रोसीडिंग अगर बढ़ती है, आगे इस्तीफा अगर नहीं देते हैं देते हैं, तो उसको लेकर के क्या अब तस्वीर आगे और बढ़ सकती है? नहीं, ये तो क्लियर ही है। चलिए आपके पास आएंगे और देखिए कुछ आंकड़े हैं, वो आंकड़े भी हम आपको समझा देते हैं कि समीकरण क्या है। तो बिहार विधानसभा का समीकरण क्या है, 243 सीट है और बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत हो जाती है। जो आंकड़ा एनडीए के पास से अगर एक दो विधायक इधर उधर होते भी हैं तो, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है कि डॉक्टर संजीव रास्ते में है, डॉक्टर जो भीमा भारती है वो नहीं पहुंची है। शिप्रा, बिल्कुल राहुल, और देखिए आंकड़े ठीक मेरे सामने अभी दर्शकों को नजर आ रहे होंगे। इसमें सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं वो हम आपको पहले एनडीए के दिखा रहे थे, अब महागठबंधन का ये आंकड़ा आप देखिए। आपको सबसे पहले आरजेडी का आंकड़ा दिख रहा है, 79 यानी 79 विधायक आरजेडी के पास है, 19 कांग्रेस के पास है, लेफ्ट 16 विधायक जो है लेफ्ट के पास है। टोटल इनका अगर हम करते हैं तो 114 का ये आंकड़ा बताया जाता है। और एनडीए की बात हम कर रहे हैं तो एनडीए के पक्ष में 128 विधायकों का समर्थन है। हालांकि उसमें से जैसा कि अभी बार बार बताया जा रहा है कि जो दो विधायक हैं वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी 126 का आंकड़ा होता है। बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 122 का है जो आप इधर देख भी पा रहे हैं। कुल सीट 243 की है और 122 का बहुमत चाहिए राहुल, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है वैसे एनडीए। बिल्कुल, ये आंकड़े बता रहे कि ज्यादा बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि 122 का जो आंकड़ा है अगर एक दो विधायक इधर उधर भी होते हैं तो 126 का आंकड़ा एनडीए के पास रहता है। लेकिन डॉक्टर संजीव जो है वो रास्ते में वो पहुंच भी सकते, बीमा भारती पर संशय बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की अगर बात करें तो चेतन आनंद, ये भी एक जो बड़ा मसला है वो अब देखने को मिला है, क्योंकि चेतन आनंद जिस तरीके से रात में उन्हें पुलिस लेकर के जाती है, उनके भाई का एक एफआईआर जो है वो सामने आता है, तो एक चिंता उधर भी है। तो ये तस्वीर अब शिप्रा, बिल्कुल, और ये तस्वीर जो है वो साफ करती है, भले रिजल्ट अभी कुछ देर के बाद सामने आएगा राहुल, लेकिन उससे पहले जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये तस्वीर है ना, ये सब कुछ बयां कर रही है कि किस तरीके से निश्चिंत है नीतीश कुमार। और कल की जब बैठक हुई थी जेडीयू की तो उसमें भी नीतीश कुमार ने एक लाइन में यही कहा था कि टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक है, निश्चिंत हैं वो। और यही तस्वीर आज देखने को मिली बिहार विधानसभा में, जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो मुस्कुराते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं ये तेजस्वी यादव जब पहुंचे थे उस वक्त की है। बिल्कुल, तो कॉन्फिडेंट नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार को भी पता है कि आंकड़े उनके साथ है, और एनडीए का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि बहुमत साबित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, भले आरजेडी की तरफ से दावे किए जाते रहे। लेकिन आरजेडी में देखिए किस तरीके से इन पिछले कई दिनों से डर का माहौल जो था वो बना हुआ रह गया, और भले ही देखिए तेजस्वी यादव की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं साथ साथ नीतीश कुमार के साथ साथ, वो भी अभिवादन करते हैं, तेज प्रताप भी उनके साथ नजर आते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब अवध बिहारी चौधरी आसन पर पहुंचे, कार्यसूची उन्होंने रखी और कहा कि, और देखिए इस बीच एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई कि तेजस्वी ने नीतीश को नमस्कार भी किया और सदन के अंदर की ये तस्वीर है। देखो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं राहुल, जिसमें देखिए जैसे ही तेजस्वी यादव अंदर पहुंचे और उनके ठीक सामने ये दोनों अगर आप देखेंगे तो एक साइड जो है वो सदन के में अगर बैठे हुए हैं तो राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव है और उनके लेफ्ट साइड में ठीक उनके सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और जैसे वो पहुंचते हैं तो दोनों हाथ उठाकर नमस्ते करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और ये सेंट्रल हॉल की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां भी राज्यपाल का अभिभाषण होना है। यहाँ पर सभी विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि राज्यपाल का अभिभाषण होगा, राज्यपाल दोनों ही सदन को संबोधित करेंगे और उसके बाद आगे की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी राहुल। बिल्कुल, तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा और दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनको अभिभाषण देंगे राज्यपाल, और उसके बाद से जो सदन की कार्यवाही प्रोसीडिंग है वो आगे बढ़ेगी। और इस बीच नीलम देवी और चेतन आनंद भी नहीं पहुंचे हैं, जो विधायकों को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे कि आरजेडी के ये दो विधायक है, नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है वो नहीं पहुंची है, और इसके साथ साथ चेतन आनंद जो अपने आवास चले गए, पुलिस उनको साथ लेकर के चली गई। तो ये दो बड़े चेहरे यानी कि आनंद परिवार और अनंत परिवार का जो रिश्ता है वो थोड़ा टूटता हुआ आरजेडी खेमे से नजर आ रहा है, और ये कई सवाल खड़े भी कर रहा है कि आखिर क्या महत्वाकांक्षा है इन दोनों परिवारों की और क्या वजह रही कि चेतन आनंद तो नजर आते रहे, वो गेम खेलते नजर आ रहे थे आरजेडी विधायकों के साथ, लेकिन जैसे ही रात का वक्त होता है एक एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद से पुलिस के साथ वो निकल पड़ते हैं, अपने आवास से चले जाते हैं, फिर वो आवास से तेजस्वी यादव के आवास पर नहीं लौटते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव के आवास पर ही जमावड़ा रहता है। तो सारी कुछ चीजें ठीक ही नजर आती है चेतन आनंद को लेकर के। और आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, दो जेडीयू के और दो आरजेडी के विधायक अब तक नहीं पहुंचे हैं,
किस तरीके से इसको देखा जाए, क्या इनकी अनुपस्थिति रहेगी प्रोटेस्ट के दौरान? तो चलिए संवाददाता आनंद से इस पर और अधिक जानकारी लेंगे, लेकिन राहुल जिस तरीके से हम अभी दर्शकों को बता रहे हैं कि दो विधायक जेडीयू के जिसमें बीमा भारती और डॉक्टर संजीव, इन दोनों का नाम सामने आ रहा है, वही दूसरी तरफ अगर देखें तो आरजेडी की तरफ से भी नीलम देवी और चेतन आनंद, ये दो विधायक हैं जो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जितने भी विधायक और अलग अलग पार्टियों के हैं वो जरूर पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से विश्वास मत हासिल करना है उसके लिए जो आंकड़े हैं वो पर्याप्त आंकड़े एनडीए सरकार के पास हैं, और इसलिए शायद आज नीतीश कुमार भी काफी निश्चिंत नजर आ रहे थे, और उन्होंने जब वो पहुंचे भी तो उनका बॉडी लैंग्वेज भी ये शो कर रहा था कि उन्हें कोई दिक्कत जो है सरकार बनाने में नहीं होने जा रही। बिल्कुल वो दिक्कत नहीं नजर आ रहा। अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, जो विधानसभा की कार्यवाही है वो शुरू हो रही है, लेकिन दो विधायक आरजेडी खेमे से और दो जेडीयू से वो पहुंचे नहीं है, इसको लेकर के क्या माना जाए, क्या उनकी अनुपस्थिति होगी प्रोटेस्ट के दौरान? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा, चूंकि राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो 11:30 बजे से शुरू होगी और उस समय तक चूंकि पार्टी ने जो एक जारी किया है उसके अनुसार 11:30 बजे यानी कि राज्यपाल के अभिभाषण के समय सभी विधायकों को पहुंच जाना है। लेकिन अभी आरजेडी के दो विधायक चेतन है और नीलम सिंह है, तो ये दोनों नहीं पहुंचे हैं। अगर जेडीयू खेमे की बात करें तो खेमे भारती वो तीन नहीं पहुंचे हैं, तो उम्मीद जा रही है कि ये तीनों पहुंच जाएंगे। अगर नहीं पहुंचते हैं तो जाहिर चाहते हैं कि जब जाएंगे और चलिए। बिल्कुल अमित, आवाज थोड़ी सुनने में परेशानी हो रही, आवाज थोड़ी आपकी कट रही है, आपसे फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपडेट आपको दे दें कि दो दो विधायक दो खेमों से यानी कि आरजेडी और जेडीयू से ये नहीं पहुंचे हैं, और इसके बाद से अनुपस्थिति को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं शिप्रा। बिल्कुल, और ये तस्वीर जो भी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं ये सेंट्रल हॉल की तस्वीर है, लगता है राज्यपाल अब यहाँ पहुंचने वाले हैं, और इसे देखिए सभी जो सदस्य हैं वो अब खड़े हो चुके हैं और कुछ ही देर के बाद राज्यपाल का अभिभाषण यहाँ शुरू होना है। हालांकि इंतजार जरूर किया जाएगा, जो दो विधायकों के बारे में जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि जेडीयू के जो विधायक हैं डॉक्टर संजीव वो शायद पहुंच सकते हैं क्योंकि वो रास्ते में हैं, पहले से ही बताया जा रहा था। बीमा भारती के बारे में अभी तक कोई जानकारी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आरजेडी के जो दो विधायक बताया जा रहे हैं चेतन आनंद और नीलम देवी, वो पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं इस पर भी नजर होगी। अभी राज्यपाल का अभिभाषण कंप्लीट होने के बाद कार्यवाही जो है वो शुरू होनी है, और उसके बाद सबकी नजर स्पीकर पर होगी कि वो आज इस्तीफा खुद से देते हैं या अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है उसे पारित कराना पड़ता है। बिल्कुल, तो देखिए एक तस्वीर और स्पष्ट यहाँ पर नजर आ रही है, खास करके एनडीए खेमे की अगर बात करें तो अगर एक बीमा भारती जिन पर संशय बरकरार है, डॉक्टर संजीव तो रास्ते में है वो पहुंच जाएंगे, बीमा भारती अगर नहीं भी आती है तो 127 का आंकड़ा एनडीए के पास मौजूद है, लेकिन अगर दो विधायक जो आरजेडी खेमे वाले हैं चेतन आनंद और नीलम देवी, अगर ये दोनों भी नहीं पहुंच रहे हैं तो ये जाहिर हो जाता है कि क्या इनका झुकाव जेडीयू की तरफ है, इनका झुकाव एनडीए की तरफ है, और ऐसे में अगर कुछ संभावनाएं नजर आती तो ये बड़ा झटका तेजस्वी यादव के लिए होगा, आरजेडी के लिए होगा, क्योंकि एनडीए को बहुमत साबित करने में तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक बड़ा झटका एनडीए उस आरजेडी खेमे को देता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल राहुल, और अगर मैनेजमेंट की बात करें तो दोनों ही खेमों की तरफ से एनडीए हो या महागठबंधन, ये कवायद पहले से ही चल रही थी कि अपने विधायकों को सहेज कर रखना है, और ऐसे में अगर हम देखें तो एनडीए की तरफ से पूरी कोशिश की गई और कहीं ना कहीं वो सफल होते हुए भी नजर आए, लेकिन वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के सभी विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर रखा गया था, लेकिन उसमें से भी दो विधायक का नहीं पहुंचना कुछ सवाल खड़े जरूर करता है। बिल्कुल, तो आरजेडी के लिए चिंता वाली सबब है कि आखिर आपके जो विधायक साथ में रहते हैं, साथ में क्रिकेट खेलते हैं, साथ में गाना साना भी चल रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद जब वो अपने आवास चले जाते हैं तो फिर वो लौट के नहीं आते हैं। नीलम देवी के बारे में भी यही खबर सामने आई कि देर रात वो तेजस्वी आवास के पर पहुंची थी, लेकिन सुबह से ही उनका कोई अता पता नहीं था, और देखिए अभी भी अनुपस्थिति जो है इन दोनों विधायकों की है। दूसरी तरफ एनडीए खेमे की अगर बात करें तो लगातार बीजेपी भी कोशिश करती रही कि विधायक जो है एकजुट रहे, और बहुत ज्यादा दिक्कत भी बीजेपी को नहीं हुई कि विधायकों को एकजुट रखा जाए। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे ही एक बार फिर से समझ लेते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। अभिरंजन जी, अभी तो राज्यपाल का अभिभाषण होना है, लेकिन उसके बाद जिसकी बात हम कर रहे हैं स्पीकर की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा देने से मना किया है, तो आगे क्या तस्वीर हो सकती है, क्या कुछ प्रक्रिया होगी अगर आप समझा पाए? देखिए, एक बात तो तय है कि अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, और पार्टी की तरफ से भी उनको कहा गया है कि इस्तीफा नहीं देना है।
अब ये सारा कुछ जो है जो भी उनके दिमाग में खेला रहा हो, अगर उनको समझ में आ जाएगा अभी अगले आधे घंटे में कि वो खेला नहीं हो पाया, तो उस स्थिति में अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा दे भी सकते हैं, या हो सकता है कि वो विश्वास मत से पहले ही सरकार के बहुमत का एक बार परीक्षण करने के ख्याल से इसमें जो है मतदान ये लोग करवाना चाहे आरजेडी कैंप वाले लोग, तो ये एक देखने की चीज रहेगी। लेकिन जो ये बात आ रही है कि नीलम देवी और चेतन आनंद नहीं पहुंचे, तो देखो इन दोनों की अपनी वजह है, ये दोनों जो है इनका किसी पार्टी से मैं कहूंगा कि कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी है और चेतन आनंद जो है आनंद मोहन के बेटे हैं, और आप जानती हैं कि इनको सत्ता से मतलब होना चाहिए, जिसकी सत्ता होगी उसके साथ रहने में इनकी भलाई है, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ बहुत सारे आपराधिक मुकदमे हैं। इसी तरह से जो चेतन आनंद के पिता है आनंद मोहन, अभी अभी जो है उनको नीतीश कुमार ने छुड़वाया था डीएम कृष्णैया की हत्या के मामले में जेल से, तो ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहेंगे कि हम सत्ता से जो है दूर रहें। तो सत्ता अगर एनडीए के पास रहने वाली है, नीतीश कुमार के पास रहने वाली है, तो निश्चित रूप से ये लोग चाहेंगे कि हम उन्हीं के साथ जुड़ के रहें, तो हो सकता है कि वो ना पहुंचे और हो सकता है कि वो एब्सटेन करें। अभिरंजन जी, मकसद साफ नजर आता है कि सत्ता के पास रहें, सत्ता के करीब रहें। चेतन आनंद की भी मंशा है, नीलम देवी की भी मंशा हो सकती है। अगर जेडीयू खेमे से बीमा भारती की अगर बात करें, तो बीमा भारती की अनुपस्थिति क्या बता रही है? देखिए, बीमा भारती का जो है कुछ अपना व्यक्तिगत मामला जरूर है, उनका लेसी सिंह के साथ जो है चलता है, कुछ नाराजगी वगैरह है, और उनको जिस तरह की अपेक्षा रही है नीतीश कुमार से, शायद वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई होंगी। लेकिन अभी ये देखना होगा, अभी बहुत अर्ली है, शायद जो है अगले आधा घंटा या 15-20 मिनट कम से कम और हो सकता है, जिसमें हम लोगों को देख लेना चाहिए कि वो फाइनली आती है या नहीं आती है। बिल्कुल अभिरंजन जी, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से पहले से आश्वस्त किया जा रहा था कि उनके सभी विधायक जो हैं इंटैक्ट हैं, एक साथ हैं, और हालांकि संजय झा ने बड़ा दावा भी किया कि कोशिश की जा रही थी प्रलोभन देने की। निश्चित रूप से देखो, जब भी इस तरह की टाइट स्थिति में दो पार्टियां या दो गठबंधन फंसते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं। आप लोग जानते हैं कि इन चीजों के सबूत नहीं जुटाए जा सकते आसानी से, लेकिन ये सारा कुछ होता है। अंग्रेजी में शब्द है हॉर्स ट्रेडिंग, और जिसके लिए मैं हिंदी में कहा करता हूं कि ये राजनीति की घोड़ा मंडी है। तो इस घोड़ा मंडी में देखो ये सारे खेल होते हैं, यहाँ पर पैसा भी चलता है, यहाँ पर पावर भी चलता है, यहाँ पर पुलिस भी चलती है, सारे जिसके पास जो ताकत है, जिस चीज की ताकत है, वह उस चीज के ताकत का इस्तेमाल करता है। वो धनबल हो सकता है, बाहुबल हो सकता है, वह सत्ता का बल हो सकता है, पुलिस का प्रशासन का बल हो सकता है, सारे बल और छल इसमें काम आते हैं। तो ये मुझे लगता है दोनों तरफ से हुआ है। अगर दोनों तरफ से नहीं हुआ है तो आप ये बताइए कि आरजेडी के भी दो विधायक अभी तक क्यों नदारद हैं? तो निश्चित रूप से ये काम जो है दोनों तरफ से हुआ है, और जब इस तरह का खेल होता है तो मुझे लगता है इस हमाम में हमारी राजनीति नंगी होती है, हमारा लोकतंत्र नंगा होता है, और हमारे बिहार का ये दुर्भाग्य है। बिल्कुल अभिरंजन जी, और इस पूरे प्रक्रिया में अगर हम देखें तो आरजेडी की तरफ से काफी सधी हुई रणनीति रही। आरजेडी के सभी जो विधायक हैं उन्होंने भी कुछ ज्यादा बयान नहीं दिए, और आज भी हमने देखा कि विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव पहुंचे तो मुख्यमंत्री को उन्होंने नमस्ते किया। आरजेडी की पूरी रणनीति को इस दरमियान अगर आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, रणनीति तो तेजस्वी यादव और उनके कैंप की बड़ी अच्छी रही, लेकिन मैं ये कहूंगा कि केवल रणनीति से काम नहीं चलता, मैनेजमेंट एक बड़ी चीज होती है, और मैनेजमेंट के मामले में एनडीए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनडीए के पास ढेर सारे मैनेजर्स हैं। अगर केवल नीतीश कुमार की पार्टी को लड़ना होता आरजेडी से तो शायद वो नहीं लड़ पाते, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को चूंकि बीजेपी का समर्थन हासिल है, और बीजेपी आप जानते हैं कि उसके पास बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, उसके पास इतने सारे धुरंधर लोग हैं, और उन सारे लोगों को आप देख रहे हैं कि उतार दिया गया, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे वो संजय मयूख हो, चाहे वो विनोद तावड़े हो, और ये सारे, और आप जानती हैं कि सम्राट चौधरी खुद धुरंधर आदमी है, विजय सिन्हा खुद धुरंधर आदमी है, तो ये सारा जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो मैं तो ये मानता हूं कि देखो, अगर आज नीतीश कुमार जी की सरकार बचती है, जो कि बचने जा रही है ऐसा मुझे लगता है, तो उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है, खास करके जीतन राम मांझी को बांध कर रखना जो है नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल अपने खेमे को बचाने में कामयाबी हुआ है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो खेला अभी बाकी है, खेला होगा, ये बयान वीर वाली ही बात सामने आती रही, लेकिन अंदर से सारी चीजें खोखली साबित हुई।
नहीं, ये तो देखो एक राजनीति में कोई भी अंतिम पल तक, जैसे खेल के मैदान में भी अंतिम पल तक कोई भी हार स्वीकार नहीं करना चाहता है और अंतिम पल तक लड़ना और जूझना चाहता है। उस रणनीति के तहत देखो आरजेडी के कैंप की तरफ से ये सारी बातें कही गई, लेकिन आज सुबह से इस तरह के संकेत आने लग गए थे। शकील अहमद खान ने साफ तौर पर कहा कि परसेप्शन की लड़ाई वो नीतीश जी हार गए। परसेप्शन की लड़ाई शब्द जैसे ही इस्तेमाल हुआ आप समझ जाए कि उन लोगों को समझ में आ गया कि अब बहुमत नीतीश कुमार के पक्ष में है और बहुमत हम लोगों के पक्ष में नहीं। अब रंजन जी आप, चलिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार हैं और बुके देते हुए अवध बिहारी चौधरी को नजर आ रहे हैं, जो अवध बिहारी चौधरी आज आसन पर भी गए, कार्यसूची भी रखी, लेकिन अब आगे की जो प्रोसीडिंग होगी उसमें देखना दिलचस्प होगा कि अवध बिहारी चौधरी की तरफ से क्या इस्तीफा दिया जाता है नहीं दिया जाता है। और जिस चीज की अभिरंजन जी चर्चा भी कर रहे थे कि जो खेल का मैदान होता है उसमें अंत अंत तक कोशिश यही होती है कि जो समय बचा हुआ है उसमें हम वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें और आखिरी हम दाव लगाएं, और शायद यही चीज जो है वो अवध बिहारी चौधरी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नोटिस आता है, नोटिस के बाद वो कहते हैं कि नहीं हम इस्तीफा नहीं देंगे और समय टलता जाता है। तो ये तस्वीर सामने जो आई है